ये हम नीम का थाना बाईपास रोड पे चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर रोड है ये, आप देख सकते हैं। अगर वहां से राइट होते तो नीम का थाना चले जाते और लेफ्ट होके निकले तो बाईपास रोड होकर निकले हम लोग। और यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ट्रेवल करते करते थक जाए तो यहाँ पे किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं दिल्ली हरियाणा पैलेस। ये एक होटल है, टी स्टॉल है छोटी सी। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ से सीकर लगभग 63 किलोमीटर है। और मैं आपको होटल दिखाता हूँ। ये है वो होटल। और यहाँ पे अभी हम चाय और स्नैक्स वगैरह लेंगे। और ये जो एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है नीम का थाना। और ये देखो यहाँ पे ये दीवार कितनी अच्छी है। चलो पहले कुछ चाय वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र के लिए। अभी हम जहाँ इस रेस्टोरेंट में आए हुए थे तो हमें पता लगा ये रेस्टोरेंट नहीं, ये होटल भी है। तो इन भैया से यहाँ की फैसिलिटी जानते हैं कि यहाँ पे रहने का क्या है, खाने पीने का क्या है। चाय हमने पी, चाय तो बहुत ही बढ़िया लगी और बहुत ही कम प्राइस में है। तो हम भैया से जानते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या प्राइस है उनके। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद, आप यहाँ आए जरूर बता रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस होटल में आने के लिए। जी सर, हमारा ये होटल है चला ग्राम पंचायत में और ये हमारे नीम का थाना से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ टोल टैक्स से, टोल टैक्स से पहले है ये 500 मीटर पहले। और आप यहाँ ज़रूर आए एक बार, जरूर आके आप यहाँ देखिए, आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में कैसा मिलता है, क्या मिलता है। बहुत अच्छा खाना और रहन सहन की अच्छी व्यवस्था है यहाँ, आप ज़रूर एक बार पधारे। यहाँ हमारे पास खाने के लिए सभी आइटम उपलब्ध हैं, यहाँ वर्कर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और ऊपर हमारे रहने की व्यवस्था है। आप हमेशा खाटू श्याम जो पधारते हैं वो भक्त हमारे से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहारी और अच्छा खाना भेजते हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा हमसे पसंदीदा और व्यायाम करने के लिए एग्री रहते हैं। तो उसमें इतना ही और कहना चाहता हूँ कि हमारे होटल का मेन्यू है, होटल का नाम है होटल दिल्ली हरियाणा पैलेस, ये देख लीजिए। और मेन्यू में आपको सभी नाश्ता वगैरह का सभी अच्छे से अच्छा प्राइस में अच्छा सभी मिलेगा। और आप एक बार जरूर आके आओगे आपको। तो इस समय आपका कोई इस समय रूम है जो आप दिखाएंगे कि किस तरह के रूम है यहाँ पर? अच्छा चलो आ जाओ, रूम भी देख लेते हैं। ये यहाँ से एंट्री करने का है और पार्किंग की भी व्यवस्था है बहुत अच्छी। हाँ, सेफली आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये वॉशरूम, ये किचन, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है यहाँ पर, यहाँ की खासियत है ये। अगर आप खाटू श्याम जी या फिर साला सर जी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप स्टे करके खाना वाना खा भी सकते हैं। हाँ जी, रूम तो वाकई में बढ़िया है। ये हॉल है, ये वॉशरूम हो गया, रूम तो जी बहुत बढ़िया, काफ़ी स्पेसियस रूम है जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ गेस्ट रुके थे तो अभी ही गए हैं वो लोग, तो अभी यहाँ पे साफ़ सफाई अभी हो जाएगी। तो क्लीनिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ की। ये अटैच बाथरूम, तो आपको इसका मतलब सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हैं? चार रूम हैं। पर बैठने के लिए आपको बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा फील होगा, कोई अगर यहाँ पर खाटू श्याम जी या साला सर बालाजी अगर यहाँ से होकर जाता है
तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस एक बारिश वाले होटल में आप जरूर आए। देखिए, हम नाश्ता और चाय करने के बाद तरोताज़ा होके निकले हैं। उदयपुर बाटी होते हुए सीकर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चाय।